दोस्तों गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह फिर रेडी है। आज ना कहीं कुछ निकलने का प्रोग्राम बना है, कहीं घूमने फिरने का। तो अभी फ़िलहाल सुबह रेडी, बाइक पे रास्ते में बताते हैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत समय से एक लॉन्ग राइड नहीं ली थी। तो आज चलते हैं, फिर राजस्थान की तरफ जा रहे हैं, वही अपनी पुरानी जगह अलवर की तरफ, अरावली की पहाड़ियों में। बाकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या है वो मैं अभी आपको बाइक के ऊपर बताऊंगा जब रास्ते में कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए अभी निकलते हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है, तैयार हूँ मैं, अभी पहन के निकलते हैं। तो दोस्तों हो लिए हैं सवार अपने घोड़े पे और अब देखिए राम का नाम चलिए निकलते हैं अपने सफर पे। कैसे सफर को कंटिन्यू। दोस्तों सफर अपना शुरू हो चुका है और सबसे पहले जो हम करते हैं अपने सफर पे, सबसे पहला काम वो क्या डलवाएंगे, पेट्रोल। गाड़ी में फिटिंग करनी ज़रूरी है क्योंकि तो अपना से ही जो है आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों टैंक फुल करके अपन चल दिए हैं। अब फिलहाल मैं आपको बता दूं हम कहाँ जा रहे हैं। हम पहले जाएंगे ताल वृक्ष, एक जगह है जहाँ पे जो पांडव हैं वो रुके थे, मतलब रुके तो विराट नगर में थे, बट उन्होंने अपने जो हथियार थे, अस्त्र शस्त्र थे, वो तालवृक्ष जो जगह है वहाँ की ताल की पेड़ों में छुपाए। तो सोच रहे थे अब अलवर जा ही रहे हैं तो बाबा भर्तृहरि के दर्शन कर लेते हैं और फिर अपने सफ़र को हम घर की तरफ वापस ले लेंगे। तो फिलहाल चलते हैं तालवृक्ष और पहले चलते हैं अभी हाईवे पे, हाईवे पकड़ेंगे तालवृक्ष। तो चलिए आप मिलते हैं दोस्तों हाईवे पे। तो पहुंच गए हैं हाईवे पे और ये जो सामने रास्ता दिख रहा है ये किशनगढ़ होते हुए अलवर जाता है ये जो सामने वाला, बट हम यहाँ से लेंगे राइट, पहले हाईवे हाईवे चलेंगे और चलिए सफ़र को आगे बढ़ाते हैं और आगे बढ़ते हैं हम भी और रास्ते का आनंद। तो दोस्तों अभी लगभग एयरोड से आ चुके 10-12 किलोमीटर आगे और यहाँ थोड़ा सा रुका हुए पहुँच गए क्योंकि प्यास सी लग रही थी तो पानी पिया। अब आगे बढ़ेंगे यहाँ से और जैसा कि मैंने बताया था आपको आज का सफ़र जो है बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है और अभी तक बड़े मज़े आ रहे हैं, मौसम भी अच्छा है, सुहाना मौसम है, आगे का सफ़र भी मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और अपने सफ़र को करते कंटिन्यू। चलिए दोस्तों अभी ऐसे बढ़ते हैं आगे। चलिए अब बढ़ते हैं आगे यहाँ से काफ़ी देर ये हमें हाँ सफ़र को यहाँ से कंटिन्यू करना।
दोस्तों मैंने ना एक नया रास्ता ढूंढा है अभी, कोटपूतली से अलवर रोड से जाएंगे तो हमें नजदीक पड़ेगा और बड़े सुंदर नज़ारे पहुँचते कोटपूतली अलवर रोड से चलिए अब मिलते हैं आप देखिए अलवर रोड फ्री में ऐसे हाईवे पे पास करने में मज़ा नहीं आता अलवर रोड। तो दोस्तों हम हाईवे छोड़ के कोटपूतली से मुड़ चुके हैं अलवर रोड की तरफ और ये अलवर रोड पानसूर अलवर ये रोड जाती है खेवाली रोड जो है अलवर पानसूर के लिए जाएगी और अब हम इस पे बढ़ेंगे आगे और अपने सफ़र को लगातार आगे बढ़ाते रहेंगे ताकि हम जल्दी से जल्दी अपनी जो है वहाँ पहुँच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अब इस रोड को भी एक्सप्लोर करेंगे साथ साथ देखेंगे इस रोड पे क्या है देखने लायक खूबसूरत क्योंकि तो मैंने सुना जैसे कि पहाड़ों में से वैसे आएंगे निकलेगा ये रोड तो उसी हिसाब से इस रोड को एक्सप्लोर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपनी मंजिल की तरफ कदमों को बढ़ाते हैं। दोस्तों यहाँ पे ना ऐसे ही नज़ारे आपको देखने को मिले देख रहे ना चारों तरफ इस रास्ते पे आपको यही नज़ारे जो है देखने को मिलने वाले खूबसूरत जो है इसे देख के प्रफुल्लित हो दोस्तों। ये शहर है पानसूर, ये पानसूर शहर है दोस्तों और यहाँ से करीबन 25-30 किलोमीटर के आसपास पड़ता है तालबट। तो यहाँ से आधा घंटा आपको दो घंटा के आसपास और लगेगा तालबट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों धीरे धीरे करके पानसूर से भी बाहर निकल आए और अब ये जो रोड है ये सीधी अपनी मंजिल पे जाती है। ये देखिए कैसे ग्रीन एरिया है, ब्यूटी है चारों। अगर इसी चीज के लिए ना मैं शहर की भागदौड़ से निकल के बाहर और ये अरावली पर्वत श्रोता हूँ गोद में ये हाई फर्स्ट जगह बड़ी खूबसूरत जगह बताते हैं। इसकी स्टोरी भी मैं आपको बताऊँगा जैसा थोड़ा बहुत इंटरनेट दे दिया था मानकों से रिलेटेड है। दोस्तों ये था नारायणपुरा, नारायणपुरा के चौक से जो 3 पॉइंट बनता है उस
उससे हमने लिया लेफ्ट जिस तरफ अलवर की साइड जाना, और यहाँ से करीबन 10 किलोमीटर 8-10 किलोमीटर के आसपास पड़ता है हमारी मंजिल जो है तालगढ़। चलिए अब थोड़ा से निकलते हैं आगे, तो बढ़ते हैं अपने मंजिल की तरफ। और ये जो है हम मतलब अभी 10 मिनट में यहाँ से पहाड़ी पहाड़ चारों तरफ नजर आ रहे हैं, आप इस चीज को देख सकते हैं। इसीलिए ऐसे ही थोड़ी बहुत बड़ी बेहतरीन जगह है दोस्तों। चुके हैं ताल वृक्ष जगह पे, अपनी पार्किंग में लगा दी है बाइक अपनी, और थोड़ा सा कुछ दिक्कत हो गई थी ये बाइक को ना सही से स्टैंड पे लगाने के लिए, ये सही स्टैंड पे लगा देते हैं। चलिए अब स्टैंड पे लगा के मिलते हैं गेट के ऊपर। दोस्तों ये है ताल वृक्ष जो जगह बताते हैं, हाँ भाई दोस्तों इस जगह को बोलते हैं ताल वृक्ष। और अभी चलिए ऊपर, ये मंदिर है। यार ये जगह महाराज पहली अगर भोजन करो तो पैसा भी दो ना। दोस्तों अभी आपको दिखाते हैं गर्म पानी और ठंडे पानी के जो कुंड है ना, वो जिनमें भाई गर्म पानी रहे। अरे ठंडा पानी में किधर है? कितना गहरा है ये? काफी दोस्तों मेरे पीछे है, ये है गर्म पानी का कुंड है, और ठंडे पानी का जो कुंड है वो इस कुआं के पीछे की साइड है, वहाँ पे लेडीज स्नान करती हैं। और एक कुंड ये भी है जो इसको ढका हुआ है, तो ये दो कुंड हैं, ये गहरा है इसलिए इसको ढक दिया गया है। और वो गर्म पानी का कुंड जो मैंने आपको दिखाया अभी वो अंदर इसमें आ रहे हैं वो है। तो ये था दोस्तों ताल वृक्ष जो जगह है जिसकी हम बात कर रहे थे, वो पूरी मैंने आपको बता दी है। अभी एक बार फिर से ज़रा मैं आपको दिखा दूँ यहाँ का नज़ारा। मंदिर है तो ये वाला शाम ग्रह, और यहाँ भी मंदिर है, यहाँ पे जो भंडारा वगैरह वो चलता रहता है।
ये छतरी बनी हुई है, घास वगैरह चल रहा है। पूरा पीछे इसके अरावली पर्वत है, इसकी तलेटी में पूरी बसा हुई है। करते हैं बाय बाय इस जगह को। पूरा ये मेन गेट से इससे मैं आपको व्यू दिखा रहा हूँ। बहुत खूबसूरत, बट थोड़ा सा इसका और रख रखाव अच्छे से किया जाए तो ये और खूबसूरत लगेगी। ये थोड़ा सा है ऐसे ही, जैसे पीछे देख रहे हैं ऐड वगैरह नहीं करनी चाहिए ये ऐड वगैरह, क्योंकि हमारी जो है पुरातत्व, मतलब हमारे एक धरोहर, पुरातत्व धरोहर, उसको ऐसे ख़राब हमें नहीं करना चाहिए और कोशिश करना चाहिए इस चीज़ को अवॉइड किया जाए, जैसे इसको खराब ना हो। तो दोस्तों ये था ताल वृक्ष, अब यहाँ से चलते हैं। इसके ना गेट के पास बाहर जो है ये ऐसे शॉप्स वगैरह मिल रही है, अब यहाँ से प्रसाद वगैरह ले सकते हैं। दोस्तों ये भूतेश्वर मंदिर, यहाँ आज भंडारा चल रहा है, हमने भी भंडारा खाया है। उनकी ये ताल वृक्ष में है, ये भूतेश्वर महादेव का मंदिर, और इसी के पास है ये बावड़ी। ये देखिए छोटी सी बावड़ी है, ये पानी भरा हुआ है इसमें। बावड़ी, चलिए दोस्तों भंडारा वगैरह खा के अब यहाँ से प्रस्थान करते हैं अलवर की तरफ, क्योंकि टाइम हो गया है 1 बजे का, हमारे पास है 3 घंटे यहाँ से अलवर। 3 बजे अलवर से हम लोगों को कोशिश है कि निकल लेना, तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अपने सफ़र को कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों अभी दर्शन कर लिए, ताल वृक्ष को देख लिया, एक्सप्लोर कर लिया चित्रे, और अब यहाँ से निकलते हैं अलवर की। यहाँ से अलवर जो है करीबन बता रहे हैं 40-45 किलोमीटर है, और टाइम जो है अपना हो गया है, टाइम जब ये देखना 1:18 हो गया। कोशिश है कि टाइम से अलवर पहुँच जाए, 3 बजे अलवर से निकलना है। अब यहाँ से बाबा भरथरी जाने का प्रोग्राम हम लोग कर रहे हैं, तो चलिए अपने सफ़र को बढ़ाते हैं आगे और निकलते हैं अलवर की तरफ। बाकी रास्ते में पता लगेगा कि प्रोग्राम कितना सक्सेसफुल हो पाता है या नहीं। जय गंगे भैया। दोस्तों बड़ी खूबसूरत जगह है, पूरा ग्रीन एरिया है, बड़ी अच्छी जगह लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद आई ये जगह। पहाड़ की तलहटी में ये जगह बनी हुई है, और सबसे अच्छी बात खाना पीना भी हो गया अभी यहाँ पे। दोस्तों यहाँ ना मैंने एक चीज़ नोट की, जगह जगह पे छोटे छोटे बहुत सारे कुंड हैं, इस मीन्स यहाँ की तो पानी काफ़ी है यहाँ। तो राजस्थान में ऐसी जगह मिलना बहुत बड़ी बात है। दोस्तों क्या ब्यूटीफुल जगह है, देखिए है ना, चारों तरफ हम बिल्कुल पहाड़ की तलहटी में चल, दोनों साइड पहाड़ है, जंगल देखिए पूरा जंगल एरिया है ये पूरा साइड भी, और हम चल रहे हैं पहाड़ की तलहटी में। बड़ा भयंकर,
भयंकर ऑफ रोडिंग चलते हो, देखते हैं जैसा भी है जो भी है अब इसी रोड से आगे बढ़ता है, छुटिया नहीं जा सकता। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ के मिलते हैं आपसे, अभी तो कुछ भी दिखाने का है नहीं, यही ऑफ रोड ही है, गंदा सा रोड है, बट अगर साइडों में नियम मारे तो बड़ी खूबसूरत खूबसूरत जगह है, खूबसूरत नज़ारे आपको मिलेंगे। अभी आगे बढ़ के बात करेंगे और उसके बाद इस पे सामने नजर आ रहा है पहाड़, मतलब देखो खूबसूरत रोड और उस पे पहाड़, रोड पे आगे कुछ नजर नहीं आ रहा क्योंकि आगे की रोड नीचे दब गई है, अब हम ऊंचाई पे चढ़ेंगे फिर रोड नजर आएगा। तो मतलब ये रोड जो है पहाड़ में से बनी हुई है, पूरी रोड पहाड़ पर बनी हुई है और वो आपको धुंधला धुंधला कुछ नज़र आ रहा है नहीं आ रहा मुझे नहीं पता, बट सामने मुझे क्लियर दिखाई दे रहा है, सामने जो है पूरा पहाड़ बेहतरीन ज़बरदस्त। दोस्तों जब आप ताल वृक्ष आएंगे तो वापस अलवर आते वक्त आपको ऐसे 80 पॉइंट नज़र आएगा, यहाँ पर मोहन स्वीट्स, काफ़ी स्वीट्स की दुकान, राजस्थान स्वीट्स और मुक्कड़ स्वीट्स गुज्जर होटल ये है। आपको भरतरी जाना है तो यहाँ से राइट जाना पड़ेगा और अलवर के लिए लेफ्ट, तो पहले हम जाएंगे भरतरी, तो हम जाएंगे पहले राइट, फिर भरतरी दर्शन करके फिर वापस देख लेंगे। तो चलिए चलते हैं अभी भरतरी दर्शन के लिए, ये हम लोगों ने लिया है यहाँ से राइट यहाँ से ये टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है वो स्टार्ट हो जाता है यहाँ से, सरिस्का टाइगर रिजर्व स्टार्ट हो जाता है आपका। दोस्तों ये है सरिस्का टाइगर रिजर्व, दोस्तों ये जगह है भरतरी चौक, इसको बोलते हैं भरतरी चौक, और ये यहाँ से आप लेफ्ट लेंगे तो भाई भरतरी हो जाए, ये आपको सामने दरवाज़ा नज़र आएगा, ये दरवाज़ा, और ये रास्ता जो है सीधा जाता है आ गया है दोस्तों भरतरी धाम। जी हाँ ये है दोस्तों भरतरी धाम, भरतरी मंदिर यही है आगे, कितनी दूर होगा ठीक सामने पहाड़ी, और ये जो एरिया है ये है सरिस्का वन अभ्यारण्य, मैं आपको फिर बता दूं सरिस्का वन अभ्यारण्य का एरिया है, यहाँ गाड़ी धीरे चलाइएगा और कोशिश कीजिए हॉर्न मत बजाइए क्योंकि ये जंगली जानवर यहाँ है, पशु पक्षी है, जैसे आप लोग अपनी निजी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस पसंद नहीं करते, ये भी सोचते हैं कि हमारी निजी लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस ना, तो इनको भी जीने दीजिए आराम। धीरे धीरे चलते चलते पहुंच गए भरतरी धाम पे, और यह कहाँ है भरतरी की प्राचीन गुफाएं मंदिर, सबके अब दर्शन करते हुए चलेंगे, पहले बाइक को लगाते हैं पार्किंग में कहीं पे और फिर दर्शन करेंगे सारी चीज़ों के। हेलमेट वगैरह जमा हो जाएगा? हाँ जी हेलमेट, हाँ जी हेलमेट आपकी दुकान है?
चलिए बाइक पार्किंग में लगा दी है, अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहुंच गए भरथरी धाम पे, अभी चलते हैं यहाँ से मंदिर में, पहले मंदिर में दर्शन करते हैं और उसके बाद आपको यहाँ जो भरथरी की प्राचीन गुफा है उसके दर्शन कराएंगे। अभी मैं दिखाता हूँ यहाँ पे क्या है, किस टाइप का, मतलब कैसा है ये धाम के चारों तरफ। देखिए पूरा यहाँ ना मार्केट है, ये कैसे हमने अपनी बाइक वहाँ खड़ी की थी, पार्किंग लगाई थी, ये धर्मशाला बनी हुई है, इसके पास ही हमने बाइक पार्किंग लगाई और यहाँ ही खिलौने वगैरह की दुकान है पूरी, आप मार्केटिंग वगैरह कर सकते हैं यहाँ से। पूरा फर्स्ट क्लास, थोड़ा पीछे ही लगा दी थी बाइक पार्किंग पे, बट कोई बात नहीं, थोड़ा पीछे लगा दी थी दोस्तों बाइक पार्किंग पे, पर चलिए कोई ऐसी फ़र्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि मंदिर जो है ये सामने सूरत पहाड़। ये देखिए दोस्तों ये है मंदिर, और ये पीछे सूरत पहाड़ है, और ये मैंने जैसा भी बताया पूरी मार्केट है यहाँ पे, आप कुछ भी खरीद सकते हैं, खिलौने वगैरह, प्रसाद वगैरह सब कुछ। और ये है मंदिर, यहाँ चलते हैं अंदर। ये दोस्तों दोस्तों ये है मावा भरथरी, यहाँ आप देखेंगे दोस्तों। उधर है बाबा भरथरी, आप देखेंगे तो जो फूलों से है वो है। अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं, और अब यहाँ से आपको नजर आए ये बात, ये पगड़ी लगा के बैठे वो बाबा। अब यहाँ से पीछे मंदिर के बैक साइड में ये गोपीचंद जी के मंदिर है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और भी यहाँ पे काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ देखने की। दोस्तों ये मंदिर का बैक साइड पीछे की तरफ यह है, यहाँ दादा गुरु मच्छिंदर दास जी का मंदिर है, और ये दोस्तों ये है, इसको बोलते हैं पवित्र अमर गंगा, ये है। गोपीचंद मंत्री के गुरु बाबा गोरखनाथ के चेले, बाबा गोरखनाथ के चेले थे बाबा मच्छिंदर दास। चलिए अब इनके मंदिर में भी होते हैं, एक बार दर्शन कर लेते हैं। यहाँ भी आपको बिल्कुल मार्केट बनी हुई है पूरी, ये है वो दोस्तों, ये है बाबा मच्छिंदर दास का, ये है
देवता बनाए हुए हैं। ये बाबा का मंदिर, तो दोस्तों दोस्तों आ गए पीछे की साइड। ये देखिए मेरे पीछे, देखिए ये पूरा एरिया ना पृथ्वी धाम के अंडर आता है। पुराने मंदिर है, आश्रम है। दोस्तों ये एरिया है पृथ्वी धाम के बैक साइड। जी हाँ, बैक साइड में ये एरिया, यहाँ पूरा जंगल का एरिया है। ये यहाँ पे पुराने टाइम का जो है आश्रम वगैरह है भरतरी जी का, गोपी चंद प्राचीन मंदिर के दर्शन के लाभ उठाइए। मतलब प्राचीन मंदिर है ये, पुराने जो मंदिर हैं वो सारे इसी एरिया में। ये देखिए तो ये पुराने सब मंदिर हैं। यहाँ ये कुंड बना हुआ है, आप देखेंगे तो ये कुंड है जिसमें स्नान चल रहा है, इसी का ही पानी आगे जा रहा है। तो मैं आपको एक बार फिर से पूरे ना ओवरव्यू दे देता हूँ। तो कुल मिला के बड़ी शांत जगह है, बड़ी अच्छी जगह है। कभी आपको अगर अवसर मिलता है तो यहाँ ज़रूर आइएगा और इस जगह को एक्सप्लोर कीजिए। मुझे अच्छी लगी, आपको कैसी लगती है या आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। दोस्तों ये है भरतरी बाबा के पीछे थोड़ा सा चल के ना एक मंदिर है, मेन मंदिर यहाँ पे। यहाँ से जो वो पवित्र गंगा है वो यहीं से ही निकल रही है, इसी जगह से। दोस्तों पवित्र गंगा इस कुंड से निकल रही है, इसके आगे कुछ नहीं है। यहाँ से ये झरना निकलता है, यहाँ से देखिए, और ये आगे जाके उस पवित्र गंगा का रूप। दोस्तों चारों तरफ पहाड़, उसके बीच में ये आश्रम बना हुआ है। वहाँ एक कुआं है नहाने धोने के लिए, आप नहा धो सकते हैं वहाँ। ये जो भरतरी पूरा, ये देखिए किस तरह से ना पहाड़ के अंदर, चारों तरफ पहाड़ के बीचों बीच हमें। तो जब भी भरतरी आए तो थोड़ा सा पीछे, जस्ट भरतरी बाबा का जो मंदिर है उससे पीछे ही बैक साइड में ये आश्रम है, पहाड़ों के बीच में शांत जगह पे है बिल्कुल, जहाँ से ये पवित्र गंगा निकलती है। अगर आप देखना चाहें तो यहाँ आ सकते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं, थोड़ी सी ट्रैकिंग है ये छोटी सी, इसे करते हुए आप आराम से यहाँ आ सकते हैं। तो चलिए अब वापस चलते हैं और अब यहाँ से निकलते हैं घर की तरफ। अच्छे दर्शन हो गए बाबा के, मज़े आ गए सफ़र में, सुहाना मौसम था, वक्त भी हो गया अब निकलने का, बिल्कुल सारी चीज़ें अपनी प्लानिंग के अनुसार चल रही हैं। तो चलिए अब मिलते हैं बाइक के ऊपर आपसे। ये है बाबा की प्राचीन जो गौशाला और यहीं पे है बाबा की गुफा। ये है गुफा जाने का रास्ता, और उससे हम अंदर आए थे उस रास्ते से।
तो चलिए आप चलते हैं अंदर गुफा, जाने के रास्ते में गुफा में कुछ इस टाइप से है। बाबा लखनी सिंह जी की समाधि स्थल, जी महाराज की समाधि स्थल वगैरह, भगवान का मंदिर भी है यहाँ पे पीछे। दोस्तों ये है गुफा जाने का रास्ता, यहाँ से थोड़ी सी कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आप बाबा की प्राचीन गुफा जो है उसके दर्शन कर सकते हैं। ये बिल पहाड़ है ऊपर पूरा ये, और ये है बाबा की प्राचीन गुफा। दोस्तों ये है बाबा की प्राचीन गुफा, जय बाबा जी। ये भी गुफा है, एक ही है, है? एक ही है। और इसके अंदर जा सकते हैं है? दोस्तों ये है बाबा भर्तृहरि की प्राचीन गुफा, वो दिखाई हमने। चलिए चलते हैं बाहर, थोड़ा सा सर आपको बचा के चलना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जो गेट है वो थोड़ा छोटा है, प्राचीन गुफा है पुराने समय की। तो चलिए अब करते हैं अपने सफ़र को, बढ़ाते हैं आगे और चलते हैं घर की तरफ, क्योंकि अपने जो समय था वो धीरे धीरे निकलता जा रहा है। चलिए अब घर की तरफ निकलते हैं। दोस्तों प्राचीन गुफा के भी दर्शन कर लिए और अब चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर कुछ पूछना हो यहाँ कैसे पहुँचे कैसे आए तो वो कमेंट में हमें बता दीजिए। चलिए अब चलते हैं और घर की तरफ निकलते हैं जल्दी जल्दी। अब चलेंगे दोस्तों अलवर होते हुए, बैठो भाई। अब चलेंगे दोस्तों अलवर होते हुए और अब निकलते हैं। दोस्तों प्राचीन गुफा के भी दर्शन कर लिए और अब चलते हैं घर की तरफ। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में शेयर भी कर दीजिएगा, और अगर कुछ पूछना हो यहाँ कैसे पहुँचे कैसे आए तो वो कमेंट में हमें बता दीजिए। चलिए अब चलते हैं और घर की तरफ निकलते हैं जल्दी जल्दी। अब चलेंगे दोस्तों अलवर होते हुए, बैठो भाई। अब चलेंगे दोस्तों अलवर होते हुए और अब निकलते हैं। दोस्तों यहाँ रामधाम स्वीट्स पे रुके थे, भर्तृहरि चौक के ऊपर है ये, चाय पानी पीने के लिए, और अब निकलते हैं अलवर की तरफ। यहाँ से अलवर बता रहे हैं 30 किलोमीटर है, तो लगभग अपने को आधा घंटा लगेगा और फिर निकलेंगे घर की तरफ। यानी कि 6 बजे तक मैक्सिमम हम लोग जो हैं रेवाड़ी घर पर पहुँच जाएंगे। सफर को कंटिन्यू करते हुए ये बढ़ते हैं खूबसूरत नज़ारों के आनंद लेते हैं। आप देखिए वाह, इट्स वाह,
कैन से दैट वाओ क्या सुंदर पहाड़ है चारों तरफ। जैसे ही ये पहाड़ी उतरेंगे अब घुस गए राव बी आर ए अलवर सिटी दोस्तों लगभग अलवर से बाहर आ चुका हूँ जी हाँ। ये सामने जो आपको ब्लू नजर आ रही है के साथ हम लोग बाहर हो जाएंगे तो चलिए अब आपको रास्ते में कहीं मिलते हैं वहाँ मिलते हैं जूस पीएंगे कुछ थोड़ा सा इस ब्रिज के ऊपर से आप देखना एक बार आपको कैसा नजर आता है नजर आ रहा है ये है अलवर शहर पूरा आपको जो नजर आ रहा है अलवर शहर। चलिए आपके आ गया है और ये है अलवर और किशनगढ़ के लगभग बीच में यहाँ से करीबन 10-12 किलोमीटर है किशनगढ़ ये पुल है हवा बुझती ही बदले 10-15 मिनट में किशनगढ़ पहुँचने वाला 12-13 किलोमीटर। चलिए धीरे धीरे साथ के बीच खूबसूरत दोनों साइड हमारे मौसम थोड़ा सा मौसम शाम का समय हो गया है 4:30
दोस्तों ये आ गया किशनगढ़ चौक, और इस चौक से जब अगर हम साइड ही गाड़ी गई है राइट मुड़ जाएंगे तो हम पहुंच जाएंगे सीधा भिवाड़ी दारोड़ा की तरफ। और ये है यहाँ से लेफ्ट, यहाँ से रेवाड़ी पड़ती करीबन 47 किलोमीटर, ये जाता है दोस्तों रेवाड़ी की तरफ, और वो जो सीधा तब वो चला गया चौक से रेवाड़ी की तरफ, और ये जाता है रेवाड़ी, यानी अब यहाँ से रेवाड़ी वो करीबन रह गई है दोस्तों 40 किलोमीटर के आसपास। दोस्तों ये पहुंच गए घर पे, फाइनली घर पे पहुंच गए, अभी नहा धो के मिलेंगे, गाड़ी खड़ी करते हैं, हाथ को धोते हैं, फ्रेश होते हैं।